उधर किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ दौरे पर है। रायपुर में राकेश टिकैत सरगुजा के हरिहरपुर गांव पहुंचे, जहां खदान खोलने के समर्थन और विरोध पर राकेश टिकैत ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास चर्चा की है। आज सरगुजा दौरे पर राकेश टिकैत जी पहुंचे हुए थे, सरगुजा कैसे आना हुआ जानेंगे इन्हीं से। सर, सरगुजा पहुंचे हुए हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है? जो ये जंगल उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे कोल माइन के नाम पे, इन गांव को उजाड़ा जा रहा है। गांव की सहमति नहीं है किसी की भी, और आदिवासियों की जब जमीन ले जाती है तो उस गांव की सहमति चाहिए, वो है नहीं। और फिर अगर कोई सहमति दे भी देता है, एक आदमी सरपंच दे सकता है सहमति, लीगल रूप से दबा कर उसका ले सकते हैं, लेकिन गांव के लोग नहीं चाहते कि हमारे यहां पे कोल माइनिंग हो, हम यहां से उजड़े, वो नहीं चाहते। तो सरकार इन पे ध्यान दे, ये अपनी जमीन नहीं देंगे। देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे थे, हो सके कि और 10 साल आंदोलन चले, आंदोलन चलाते रहे अपना, आंदोलन लंबे चलेंगे। ये जंगल ऐसे ही बचते हैं क्या? जितने देर दिन पेड़ को खड़ा होने में लगता है उतना ही उसको बचाने में भी लगता है। कहाँ है विरोधी जो समर्थन वाले, वे कहाँ हैं? वो सरकारी लोग होंगे जो समर्थन कर रहे हैं इसका। बिना लाठीचार्ज के कैसा आंदोलन, बिना सुगैस के गोले लगे आंदोलन कैसा, बगैर जेल जाए आंदोलन हमको बता दो। कोई बगैर जेल जाए आंदोलन होता हो तो वो आंदोलन एक आध बार हमको बता दो, हम भी ऐसा ही आंदोलन करेंगे। मिलेगी भाई, लड़ाई लड़ेंगे जीत मिलेगी, समझौते में हार मिलेगी, लड़ाई में जीत। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनको लड़ाई में जीत मिलेगी। सरगुजा से कैमरामैन जावेद के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।